परमात्मा के समीप हैं, माया और संसार से दूर हैं। यही अवस्था आपकी बढ़ती चली जाए, धीरे धीरे हर समय ऐसी आपकी स्थिति बनने लगे, निरंतर प्रभु की याद में हृदय डूबा रहे, कोई काम आए उस प्रभु का कार्य है, उसी की याद में किया जा रहा है, काम खत्म हुआ उसको अर्पण, उसकी याद बनी है, एहसास है ईश्वर की याद बनी हुई है, तो आपसे कोई बड़ा वैरागी नहीं है। और उसकी याद बनी है, ईश्वर की याद बनी हुई है, तो आपसे कोई बड़ा वैरागी नहीं, इसी दुनिया में है। वैराग आता है अभ्यास से, जो समस्त साधन करने की विधि मैंने आपके सामने रखी, कैसे भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे दातन करें, कैसे स्नान करें, जैसे हृदय में आपके निरंतर याद बढ़ती चली जाएगी, आप सच्चे वैरागी बनते चले जाएंगे। रहते इसी दुनिया में हैं, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, लेकिन आपके वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाती है, आप सच्चे वैरागी चले हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखम, भाव मिटाऊं दूजा, चाहे उसे महल में सुलाए, चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किस्सा मेरे को याद आ गया, एक फकीर था, एक राजा था, उसका महल था, बीच में सड़क थी, सड़क के दूसरी ओर फकीर की झोपड़ी थी, फकीर झोपड़ी में रहता, राजा की उठते बैठते कभी उस फकीर पर निगाह पड़ती, मैं सोचता बेचारा बड़ा दुखी है, टाट पर सोता है, लंगोटा मार के बैठता है, सर्दी का मौसम आया, एक दिन बहुत ठंड हो रही थी, बहुत तीव्र सर्दी पड़ रही थी, वजीर अपने महल, राजा अपने महल में आया, सारे हीटर्स चालू करा दिए उसने, उसके बाद पतली पतली जयपुरी रजाइयाँ, एक रजाई, दो रजाई, यहाँ तक कि नंबर 20-22 तक पहुँचा, एक के ऊपर दूसरी रजाई पड़ती चली गई। राजा की निगाह सामने फकीर की झोपड़ी में गई तो क्या देखता है, उस फकीर ने एक लक्कड़ जलाया हुआ है, उस लक्कड़ के सामने बैठा है और ध्यान में मस्त है। राजा ने सोचा फकीर कितना परेशान होगा सर्दी के कारण। थोड़ी देर बाद इस राजा को भी नींद आ गई, इसे भी होश रहा नहीं कि हीटर चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े है कि नहीं, ठंड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई, वह भी लक्कड़ के पास लेट गया, एक टाट बिछा हुआ था, दूसरा ऊपर से ओढ़ के लेट गया, गहरी नींद आ गई, लक्कड़ भी बुझ गया, कब बुझा इसे क्या पता। जब राजा उठा तो उसे सर्दी महसूस हुई, एक बार नीचे देखता है तो एक टाट पर वह फकीर सोया हुआ है, एक टाट ओढ़े हुए है, लक्कड़ भी बुझा हुआ है। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेचारा बड़ा भागा है पर सो कैसे गया। ताज्जुब तो इस बात पर है, नींद कैसे आ गई बेटी ने, जिसकी बड़ी सात्विक प्रवृत्ति थी, कहा पिताजी आप उसको बुलवा लीजिए और पूछ लीजिए कि नींद कैसे आ गई। उसने अपना चौकीदार भेजा, चौकीदार गया और उसको कहा कि राजा साहब ने याद किया है। वह उठा और कहा कि मैं एक घंटे बाद आऊंगा, एक घंटे बाद राजा साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। वह चौकीदार गया और बताया कि वह एक घंटे बाद आएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि उसने मुझे बुलाया था, फौरन भाग के आना चाहिए था। बेटी ने कहा कि महाराज ठीक ही तो है, अभी उठा है, शौच जाएगा, मंजन कुल्ला करेगा, मुंह हाथ धोएगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। राजा बेटी के बात सुनकर शांत हो गया,
एक घंटे बाद मुंह धोकर वह फकीर आया, आके राजा साहब के महल में पहुंचा। बेटी ने दरवाजा खोला, बुलाया उसको अंदर। उसने प्रश्न किया कि रात कैसे कटी? राजा ने उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कुछ तेजे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहता है कि कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी, इतनी सर्दी, सारे हीटर चालू, इतनी रजाइयाँ, तब तो सर्दी गई नहीं, टाट पर पड़ा सिकुड़ रहा था। कहता है कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा भाई अच्छी कैसे कटी और मेरे जैसी कैसी कटी? उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा राजन जब तू महल में दाखिल हुआ सर्दी से ठुठर रहा था, एक के बाद एक रजाइयाँ ओढ़ता चला गया, जब तेरी ठंडक थोड़ी कम होते चली गई तब सोचने लगा कि मेरा वजीर है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं वो मेरी गद्दी का मालिक हो जाए। उसके बाद तू ये सोचता रहा कि पड़ोसी राजा है वह भी बहुत शक्तिशाली हो गया, उसकी निगाह मेरे राज पर है, ऐसा ना हो कि वह मेरा राज को हड़प ले। तू इन विचारों में पड़ा हुआ पड़ा रहा, उस समय मैं लक्कड़ के सामने बैठकर परमात्मा का चिंतन कर रहा था, मैं अपने प्रभु से बात कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था। जितनी देर तुझे सोने में लगी मैं जागता रहा, ये रात तुझसे अच्छी कटी। जब तू सो गया तो तुझे क्या पता हीटर चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे भी नहीं मालूम कि लक्कड़ जला है या नहीं, ये समय तुझ जैसा कटा। तो जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, आप उसे कैसे रखते हैं, उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। दुख में भी सुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं, आत्मा के रस को चूसते रहते हैं, ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है। ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं भाव मिटाऊं दूजा। आगे कबीर साहब बहुत सुंदर कहते हैं, कहते हैं कि आंख न मूंदाऊं कान न रूंदाऊं तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं हंस सुंदर रूप निहारूं। आंख न मूंदाऊं कान न रूंदाऊं तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं हंस सुंदर रूप निहारूं। ये साधन है बड़ा सुंदर अपने गृहस्थ का, जब ईश्वर की याद में बैठिए, आराम से बैठिए, कभी मानसिक खींचतानी मत करो, आनंदमय अवस्था बनाइए। जब ईश्वर की याद में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए, सोचिए कि ऐसा समय है मैं प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूँ, आनंद नहीं चाहता। जब प्रभु के चरणों में विश्राम चाहेंगे सब विचारों से खाली होंगे, बड़ी सुंदर आनंदमय अवस्था होगी। तो ध्यान में कभी आपको स्ट्रेन नहीं करना है, बिल्कुल भी मानसिक खींचतानी नहीं, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए, ये अभ्यास है। कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदाऊं कान न रूंदाऊं, आंख बंद करने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत से लोग कानों में अंगूठे लगाकर आज्ञा चक पर उंगली रखकर अभ्यास करते हैं, मनसवी हालत बनाने की कोशिश करते हैं, आज्ञा चक पर कैसे ही मनसवी स्पंदन हो जाए, इसका ताल्लुक तो अंदरूनी है। जैसे जैसे आपका चित्र एकाग्र होता चला जाता है ऑटोमेटिक आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता चला जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख खोलकर निरंतर उसके दर्शन करता रहता है, हर समय उसकी हजूरी उसकी आगाही एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती, ऐसी सुंदर अवस्थाओं को प्राप्त होता है। आंख न मूंदाऊं कान न रूंदाऊं तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं हंस सुंदर रूप निहारूं।
कबीर साहब आगे कहते हैं कि शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबौ न छूटत ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लगा, निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है हृदय में, जो परमात्मा का शब्द हो रहा है निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना की त्यागी, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूबा हुआ है। गलत भावनाएं मलिन वासनाओं का त्याग हो जाता है, हृदय में कभी किसी का बुरा चिंतन नहीं जाता, हर एक की भलाई चाहता है, सारे विश्व का कल्याण चाहता है, उसके हृदय में किसी के प्रति मलिन वासना पैदा नहीं होती, ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त हो जाती है। मलिन वासनाओं का सर्वदा त्याग हो जाता है। इस सेवक के दादा गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि ये रास्ता उन लोगों का है, अगर कुंद छुरी से तेरी कोई गर्दन भी काटे, तेरा हाथ उसकी दुआ के लिए उठे, ऐसे लोगों का ये रास्ता है। अपने बुरा चाहने वालों को भी हमेशा भला करते हैं, उनकी आदत हो जाती है, और जब अवसर मिलता है उनका बुरा चाहता है, परमात्मा जब मौका देते हैं तब भी उनकी सेवा करते हैं और उसके जीवन को बदल देते हैं। उठत बैठत कबौ न छूटत ऐसी तारी लागी, निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है, हृदय निरंतर प्रभु के चरणों से जुड़कर रह गया, अलग किया नहीं होता, ऐसी लौ तारी लग जाती है। अब परमात्मा भक्त का हाथ पकड़ लेता है, योगक्षेम परमात्मा कराता है, अपने बस की बात नहीं, वे ऐसी परिस्थिति बनाता रहता है कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे। कहत कबीर ये उन मुन रैनी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद ही पद रहा समाई। इसी दुनिया में रहते हैं, सर्वसाधारण मनुष्यों के बीच ज्यादा कोई विशेष अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके काम करते हैं उनकी रहनी इस किस्म की रहती है, दुख सुख से कोई परे परम पद तेई पद रहा समाई। सुख आया, भगवान के अर्पण कर दिया कि हे प्रभु धन्यवाद, आप मालिक हैं, जैसे चाहें वैसे रखें, आपका दिया है, आपको अर्पण है। सुख में ऐसी बात नहीं कि फूला ना समाया, परमात्मा की ओर कस के झुकता है, ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के झुकता है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, जैसा चाहे वैसे रखे, और दुख आया तो परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है, कोई ना कोई कमी जरूर रह गई, कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया। भगवान चिता रहे हैं, ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के पकड़ता है, अधिक ध्यान दुख में और अधिक ध्यान बनता है, बहुत से समय उस ध्यान की अवस्था में बड़ी बड़ी मंजिलें तय करता है, उसका दुख भी आनंद में बदल गया। अब क्या है, सुख में फूलता नहीं, दुख में और कस के चरणों को पकड़ता है, जो आत्मीय अवस्था है, न दुख से विचलित होती है न सुख से विचलित होती है, उसके जीवन का एक ध्येय बनकर रह गया है, वो ये है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, कोई इच्छा नहीं। ऐसे व्यक्ति केवल एक इच्छा है कि प्रभु के चरणों में ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, योग क्षेम भी नहीं चाहिए, इच्छाओं से जेब खाली। और वेद भगवान ने लिखा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है वो मुझे पाता है, जरूर ज्योति से ज्योति एकाकार होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है।
संसार का हर व्यवहार करते, निरंतर परमात्मा में उसका मन लगा रहे, उसका हृदय बर्फ की तरह पिघलता रहे, 24 घंटे का ध्यान। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी यदि व्रत करे तो ग्रस्त आश्रम में भी कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। दिन के 24 घंटे प्रभु का चिंतन और दुनिया के काम जैसे आज करने के हैं, इससे अच्छे तरीका आसान लगता है, लेकिन बिना किसी सहारे के मंजिल पर पहुंचना कठिन है। अध्यात्म में इसी सहारे को सद्गुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सतगुरुदेव, जय पद शरण श्री यश रूप चरणों शरण। हमारा रास्ता ध्यान योग, मतलब ध्यान को अपने जीवन में जोड़ना, योग। योग का मतलब नहीं कि सांस रोक के बैठ जाए या और बहुत सी क्रियाएं वो करने लगे। ध्यान को अपने जीवन में जोड़ना इस ध्यान योग। और जब ध्यान को अपने जीवन में जोड़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें जीवन परिवर्तन के लिए होती हैं, आती हैं। मन खुश रहता है, मन आनंदित रहता है ध्यान को करने से। परमात्मा की विशेष कृपा होती है जब ध्यान लगता है, और ध्यान से आनंद प्राप्त होता है, आनंद। इसलिए इसको आनंद योग भी कहते हैं, ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, बड़े प्यार से। सहज क्या है कि परमात्मा ने हमको विशेष कृपा से मनुष्योनि प्रदान की है, और सब ग्रंथों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है मनुष्य जीवन के। और भी कोई योनि ऐसी नहीं है जिसकी प्रशंसा की हो। इसमें हमें विवेक बुद्धि दी है परमात्मा ने, सोचने की शक्ति दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। अब सही काम करेंगे तो सही चीज पैदा होगी, गलत काम करेंगे तो गलत चीज पैदा होगी, ठीक है। और ये जन्मों जन्मों के कर्मों का फल आपके पास मौजूद है, जन्मों जन्मों के कर्म। जो जन्मों जन्मों के कर्म है उसकी वजह से आपको ये योनि प्राप्त हुई है। और हमारा धर्म मानता है कि इस योनि का सदुपयोग किया जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।